अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो नहायत करीम और रहीम है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन और कोरोना की अपडेट्स। अभी दोस्तों जो चैनल पे नए हैं उनको याद करवा रहा है, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर न्यू अपडेट में आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। आपका UAE का वीज़ा असली है? वीज़ा फ्रॉड से कैसे बचें? मज़ीद अहम तफसीलात जानिए इस न्यूज़ की तफसील में। इमारात को गैर मुल्की मुलाजमीन की जन्नत कहा जाता है। इस सरे ज़मीन पर आपको अच्छा रोज़गार और बेहतरीन मियारे ज़िंदगी मिलता है। इस वजह से हर साल लाखों अफराद रोज़गार की तलाश में UAE की रुख करते हैं। बहुत से लोगों को इमारात वीज़ा जारी हो जाता है, मगर अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर या इमारात पहुँचने पर पता चलता है कि इनको जारी होने वाला वीज़ा 2 नंबर यानी कि नकली था, और इस तरह वो बड़ी रकम से महरूम हो जाते हैं और इनके वीज़े और टिकट पर ख़रीदे के पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। इमराती काम का कहना है कि कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल के लिए कंपनी या बास की जानब से जारी वीज़ा के असली होने की जान मज़ाज़ाद तरीक़ों से कर सकता है। जब आपका एक बार ऑफ़र लेटर पर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो आपका मुस्तकबिल का मालिक इमारात आने के लिए एम्प्लॉय भी वीज़ा भेजेगा। अगर आपको दुबई का वीज़ा परमिट जारी हुआ तो आपको इस वीज़े के असल होने की तस्दीक GTRF की वेबसाइट से कर सकते हैं। जबकि अबूज़ैबी, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रास अल-ख़ैमा और फजीरा के लिए जारी होने वाली वीज़ा परमिट की तस्दीक ई चैनल प्लेटफार्म से की जा सकती है। अगर आपको किसी कंपनी या किसी शख्स की जानब से मुलाजमत के लिए विज़र या टूरिस्ट वीज़ा एंट्री परमिट भिजवाया गया है तो इससे हरकत कबूल ना करें, क्योंकि विज़र या टूरिस्ट वीज़ा या एंट्री परमिट पर आपको इमारात में मुलाजमत करने की इजाज़त नहीं है। जो लोग इन वीज़ों पर मुलाजमत करते पकड़े जाएँ इन पर भारी जुर्माने आयद होते हैं और रिपोर्ट भी कल दिया जाता है। आपको ये बात याद रखें चाहिए कि इमाराती रेपर कानून के मुताबिक इसका स्पॉन्सर ही आपकी भलती की फ़ीस अदा करने का पाबंद होता है। 100 रिक्विट की मद में इससे कोई रकम अदा ना करें। इमारात के लिए टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ इमाराती एयरलाइंस मसलन एमरेट, इतिहाद, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया के जरिए जारी किए जाते हैं। इसके अलावा इमारात में वाक़ होटल ट्रैवल एजेंट के जरिए भी जारी किए जाने का। आप दुबई की जानब से जारी होने वाले वीज़ों और परमिट की फ़ीस के बारे से जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट से मरूम कर सकते हैं। इस तरह वीज़ों के इजा करने वाले दुबई की इमर सेंटर की चैट सर्विस रूम से भी आप वीज़े के मुतलक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बरा ऑपरेशन, मुत्तहिदा अरब अमीरात में 500 से ज़ायद बच्चों को जिंसी ज़्यादती होने से बचा लिया गया। तफसीर के मुताबिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस के बड़े ऑपरेशन मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम 500 से ज़्यादा बच्चों को जिंसी ज़्यादती से बचाया गया। तफसीलात के मुताबिक अबूज़ैबी में मुकीम बैन अल-अक़वामी सलामती इत्तेहाद के एक अहदेदार ने इंकशाफ किया कि 11 हुकूमतों के तावन से चलने वाले बच्चों के तहफ़ की तंजीम के तहत बड़े ऑपरेशन के नतीजे में 549 बच्चों को जिंसी इस्तेमाल से बचाया गया है। ISA की लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला हाशमी का कहना है कि ISI ने इस ऑपरेशन को मुलतब किया जिसके नतीजे में बच्चों के इस्तेमाल में मुलव्वस 771 गिरफ्तारियाँ और 500 वेबसाइट और एप्स को ब्लॉक किया गया। ये ऐप बच्चों को जिंसी इस्तेमाल से मुतलक मवाद को फ़रोग दे रही थी और इन वेबसाइट पर बच्चों से मुतलक मुतासरा मवाद पोस्ट किया जाता था। इन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में सैकड़ों बच्चों की निशानदेही हुई तो मकरूह माहौल में रह रहे थे। इन बच्चों को अब महफूज मकाम पर मुंतकल किया गया जहाँ इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत की देखभाल की जाएगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि अच्छा हमें दिख है कि बच्चों को इस तरह को नकारा सूरहाल में रखा गया था। हमें इस पर फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे ऑपरेशन के तहत इन बच्चों को मज़ीद इस्तेमाल होने से बचाया गया और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गए। इस ऑपरेशन का आगाज़ जनवरी के शुरू में किया गया था जब इख्तिताम मई में हुआ, लेकिन वफाई अमराज को कोरोना के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टार में इजाफे के सबब दिसंबर की आखिर तक ऑपरेशन में तस्वीर कर दी गई। मुख्तलि ममालिक के स्टार के तहत ये ऑपरेशन शुरू किया गया। कानून नाफज करने वाले इदारों ने जिनसी मजमू और मुतलक डेटा के असूर के लिए निजी कंपनियों के साथ भी तावन किया। बताया गया कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया इनकी उम्र 18 साल से कम थी। अगर आप UAE के अंदर हैं तो या फनी वीडियो को पोस्ट करने से पहले ये पूरी न्यूज़ सुन लें। इंटरनेट पर फैज कमेटी, कुकिंग और सियासत समेत हर मौजू पर ढेरों ढेर वीडियो और तस्वीर मिल जाती हैं। अगर आपको YouTube, Instagram और डीका प्लेटफार्म पर दस्तावेज तस्वीर और वीडियो पोस्ट करने का शौक है तो कुछ इमाराती कवानीन को ध्यान में रखना होगा, यानी ब्लॉकर या व्लॉकर हैं तो बहुत सी एहतियातें भी करनी होंगी। इस हवाले से गल्फ न्यूज़ की जानब से बताया गया कि इमारात ब्लॉकर और व्लॉकर के लिए बहुत दिलचस्पी की जगह है। यहाँ ऐसे हज़ारों दिलचस्प तफरीवी एहतियाती और हैरान कन मकाम हैं जो सोशल मीडिया और स्टार को अपनी जानब खींच कर लाते हैं। ब्लॉकर को अपनी जाती तस्वीर पब्लिक करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, अलबत्ता किसी पब्लिक मकाम पर फोटो या वीडियो बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि दीगर अफराद
फ्रेम में नजर ना आए यहाँ पे। सोशल मीडिया पर वीडियो या फोटो पोस्ट करने से पहले इसके चेहरे ढलने रू कर देने हैं। ऐसे मकान पर हटकर फोटोग्राफर या वीडियो ना बनाए जहाँ पर नो फोटोग्राफी का सहन नसब हो। ये ममानी अमूमन सरकारी नीम सरकारी इदारों या सकाफती मकाम पर की जाती है। अगर आपको किसी कोई कोई वीडियो फोटो बना रहे हैं तो इस शख्स से पेशी इजाज़त लेना बेहतर रहेगा। बगैर इजाज़त की हलकर करना आपको जेल में भी लेके जा सकती है। इस तरह अगर किसी को मर्जी के बगैर इसकी मजाया वीडियो बनानी है तो आप भी इसके कानूनी मुस्करा खली हो सकती हैं। अलबत्त टेलीविज़न और आप आर्ट फोटोग्राफी के जरिए 38 से परमिट लेना लाजमी है जिसके पास इसकी जगह का कंट्रोल है जहाँ आपको कोई भी शूट करना चाहते हैं। ये परमिट अमूमन कुछ रोज़ के लिए कारआमद होता है। कोई भी परमिट ज़्यादा मुदत के लिए नहीं दिया जाता। अगर आप किसी पब्लिक पार्क में फोटोग्राफी या वीडियो शूट करना चाहते हैं तो फिर आपको मुतलका म्यूनसिपालिटी से परमिट हासिल करना होगा। हर अथॉरिटी की जानब से कोई परमिट जारी करने की फीस अलग अलग होती हैं। बुंदी शार्क वेल भटक कर अबूजैबी के झील में आ फंसी। हकाम ने कई घंटों की मेहनत के बाद रेस्क्यू कर लिया। के समुद्री इलाके में इस वक्त परेशान कौन सूरत हाल पैदा होगी जब 18 फुट लंबी एक शार्क वेल समुद्र में रास्ता भटक कर अल्बानिया के एक मंसूई झील में आ फंसी। झील में फंसी इस शार्क वेल के लिए खतरा पैदा हो गया था जो खुराक की वजह से जल्द मर सकती थी क्योंकि वो बहरे अरब से 20 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। दाम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की एक टीम ने इन्वेटर एजेंसी के साथ मिलकर एक दीव कामद मछली की वापस समुंदर में मुंतकली कर दी। इस मकसद के लिए एक खसूसी किस्म का ट्रांसपोर्टेशन बैग तैयार किया गया। अभी कोलना में मीडिया ऑफिस की जानब से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें देखा जा सकता है कि कई फुट लंबी इस मछली को बड़ी मोहरक के साथ बैग में मुंतकल किया गया जिसके बाद इसे खुले समुद्र में छोड़ दिया गया। इस सारे रेस्क्यू प्रोसेस में 5 घंटे का वक्त लगा। शार्क वीर मछली की मूवमेंट में रूम करने के लिए इसके अंदर एक ट्रैक ड्रेवर्स भी नस्ब कर की गई ताकि इसके रवैये और तर्ज जिंदगी पर मजीद रिसर्च सामने आ सके। काम के मुताबिक मछली को समुद्र में छोड़ने के जाने के बाद इसने 250 किलोमीटर का सफर कर लिया है जो ऐसा ऐसा इस अपने वेल शार्क के झंड की दनब पड़ रही है। राशिद ने मुतहदा अरब अमीरात में कोरोना से वबा से छुटकारे के हवाले से अहम ऐलान कर दिया। यूएई के कमरान शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने केटकेसी के टेक्नोलॉजी के इफ्ताह का ऐलान कर दिया। शेख मोहम्मद ने कौम को यकीन दिलाते हुए ऐलान किया कि मुतहदा अरब अमीरात से कोरोना से निजात बनाने वाला दुनिया का तेज तरीन मुल्क होगा। इन्होंने मजीद कहा कि साल 2021 को बहुत से नए मुनफर्द मनसूफों और इकदाम के साथ शुरू किया जाएगा। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब शेख मोहम्मद कल टेक्नोलॉजी का इफ्ताह करेंगे। शेख मोहम्मद ने अपने बयानिया में ये कहा कि कैरेट टेक्नोलॉजी 2020 का सबसे खास और अहम इवेंट होगा। तो बात करते हैं आज के यूई के कोरोना केसेज के मतलब तो बता दूँ आज जो यूई के अंदर न्यू कोरोना केसेज आए हैं उनकी तादाद है 1153 और आज की डेट में तो रिकवर हुए हैं कोरोना केसेज के पेशेंट उनकी तादाद 634 है।